3, 2, 1. रंग है ना? माँ, मेरी जैकेट कब बनेगी? बस ये मफलर बना दूँ, फिर तेरी जैकेट। रजनी, तू तो कल आ रही थी, आज ही आ गई? मेरा मन नहीं लगा घर में, तो मैं आज ही आ गई। बहुत अच्छा किया। बच्चे भी कब से कह रहे थे मौसी कब आएगी। मौसी, क्या लाए हो? हाँ हाँ, अभी दिखाती हूँ। मौसी को सांस तो लेने दे, क्या लाए हो? मुन्ना के लिए तो मैं मूंगफलियाँ लाई हूँ। अरे वाह, मुन्ना मुझे भी दोगे ना? मैं किसी को नहीं दूंगी। अच्छा, और गुड़िया के लिए मैं लस्सी लाई हूँ। वाह मौसी, ये तो कितनी अच्छी है। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अरे मेरे प्यारे बच्चे हैं। और मौसी, जो पिछली बार आपने सूट दिया था ना, मैंने वही पहना है। बहुत सुंदर लग रहा है, मेरा सबसे पसंदीदा वाला है ये तो। चल मौसी को भी खिलाओ। जा वीनू, मौसी के लिए चाय बना ला। लाई। नैना, मायरा। क्या बेटा, सारे दिन फोन में लगे रहते हो? चलो थोड़ी देर बालकनी में भी चलो। मम्मी, अभी ठीक है ना? क्या ठीक है, तुमने ना सारी विंटर्स घर में निकाल दी हैं। जब हम छोटे थे ना, बिल्कुल छत पे ही मिलते थे, धूप में इतने एंजॉय करते थे, इतने मजे करते थे। तुम लोग को कोई क्रेज ही नहीं है। अभी बाहर चलो बालकनी में, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, चलो हम लोग भी मजे करेंगे। चलो ठीक है। क्या भाई, बालकनी में भी आकर तुम लोग अपने फोन्स में ही लगे हो। मैंने कहा था बाहर चल के एंजॉय करेंगे, तुम फिर अपने फोन में लगे हो। पर मम्मी, हम एंजॉय तो कर रहे हैं। हाँ हाँ, हम अपने फोन में गेम खेल के एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय हो रहा है मतलब अब गेम भी खेल रहे हैं तो फोन में ही? तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो। और फिर राजा अपने घर पहुंच गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी कहानी है बिटिया। अच्छा माँ, वैसे ये मेरा मफलर कब पूरा होगा? बस आखिरी सिलाई कर रही हूँ, इसके बाद पूरा ही हो जाएगा। देखो इतना लंबा ठीक है? हाँ माँ, इतना ठीक रहेगा। चलो फिर तो ये तैयार ही है। और मेरा स्वेटर कब होगा? तुम्हारा स्वेटर बाद में, पहले पिताजी का स्वेटर पूरा करने को पड़ा है, उसको पूरा करूँगी। 2 दिन बाद तुम्हारा स्वेटर भी शुरू कर दूंगी। बस माँ, मेरे जन्मदिन तक पूरा कर देना। अरे तुम्हारे जन्मदिन में तो अभी पूरे 17 दिन पड़े हैं, आराम से बन जाएगा। 1 हफ्ते में ही तैयार कर दूंगी तुम्हारा स्वेटर। ठीक है माँ। चलो अब पढ़ाई में ध्यान धरो, स्वेटर में नहीं। यार ये तो बड़ी सही रिपब्लिक डे सेल मिल रही है, ये देख क्या मस्त जैकेट्स आए हुए हैं। नैना, देखो ये जैकेट पसंद है? हाँ अच्छा लग रही है। अच्छी है ना, कलर्स भी अच्छे हैं। देखो मैंने राघव के तो 2-3 स्वेट्स ऑर्डर कर दिए हैं, अब तुम भी देख लो, ये पसंद है कलर? हाँ अच्छा है। ये तो बस है भी नहीं है ना, साइज भी अवेलेबल है। मायरा तुम्हारा बेटा? ये वाला अच्छा है। यही फाइनल है, इसका ब्लैक ऑर्डर कर ले। हाँ। ये सही डील मिल जाती है, विंटर सेल में ऑर्डर कर लो और मस्त मिलता है। मुझे स्टाइल में घूमो विंटर्स में भी।
बच्चों शाम के 6 बज रहे हैं, क्या बात है? आज कोई दूध वगैरह कुछ नहीं? मैं और पापा तो सूप पी रहे हैं, तुम लोग क्या लोगे? मम्मा, हाँ जी, मुझे तो हॉट चॉकलेट चाहिए और बहुत ज्यादा डायना चॉकलेट। ओके, आपको हॉट चॉकलेट, और तुम लोग भी हॉट चॉकलेट लोगे? सूप, हम भी सूप ही पी लेंगे। अच्छा चलो, तुम लोग के लिए सूप बनाती हूँ। और तुम लोग के हुडीज का है भाई, ठंड नहीं लग रही क्या? नहीं मम्मी, हीटर चल रहा है, ठंड नहीं लग रही है। मम्मी कमरा वैसे ही बहुत गर्म हो गया, मैं तो सोचू थोड़ी देर अब हीटर बंद कर दूँ। हाँ यार, वैसे तुम लोग का कमरा तो कंफर्टेबल है, तुम्हारे मजे है ना, हीटर चला के मजे से पढ़ाई करते रहो। मम्मा को तो किचन में जाना ही पड़ता है। चलो ठीक है, मैं फटाफट बना के लाती हूँ। घर के काम तो निपटने को ही नहीं आते। अरे मुन्ना ध्यान से, चोट मत लगा लेना। दीदी हम मेले के लिए निकल रहे हैं। अरे वीनू, तुमने तो कोई भी शॉल नहीं पहना, बहुत ठंड है बाहर, मेले में ठंड लग जाएगी। माँ आपने मेरा मफलर तैयार कर दिया ना, मैं वही मेला पहन के जाऊंगी। हाँ हाँ ये लो ना। दो मैं पहना। हाँ, अब बड़ा सुंदर लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा मुन्ना, मौसी का हाथ पकड़ के रहना, ना ज्यादा चीजें मांगना, मौसी जो लेके देगी वही लेना, और मौसी का हाथ मत छोड़ना, ठीक है? और हाँ रजनी, इनको कुल्फी लेकर बिल्कुल मत देना, ये तो पीछे ही पड़ जाएंगे, पर बहुत सर्दी है, इनको सर्दी लग जाएगी। हाँ हाँ दीदी, मैं ध्यान रखूंगी। तो तुम जाओ, तब तक मैं भी रसोई के काम निपटा लूंगी, तुम्हारे पिताजी भी आने वाले हैं, मैं भी अपने काम कर लेती हूँ। जाओ मजे करके आओ। मम्मी फिर हम शनाई की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। रेडी हो गए? अच्छे लग रहे हो। अच्छा चलो, खूब एंजॉय करना, और हाँ अपना फोन अपने पास रखना, ओके? ये ना हो मैं कॉल करती रह जाऊँ और तुम लोग बस बिजी हो जाओ। और तुम, और ये क्या भाई, ओवरकोट वगैरह कुछ भी नहीं लिया तुम लोगों ने? नहीं हमें जरूरत नहीं है, और वैसे भी हम वहाँ पे डांस वगैरह करेंगे तो गर्मी लगेगी। हाँ वो तो पता है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तो तुम तो फुल एंजॉय करने वाले हो ना। अच्छा चलो फटाफट करो, पापा नीचे वेट कर रहे हैं गाड़ी में, और जब वापस आना कॉल कर देना, पापा तुम्हें पिक करने आ जाएंगे। बाय बाय। तो आपको कब की विंटर ज्यादा अच्छी लगी? पहले के ना आज के? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो फिर प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, एंड यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम आई डाइडीज राइटर। टिल देन, keep watching Raghav.